And let's talk about, let's start off with that fantastic innings by Surya Kumar Yadav. Misbah, he was just unbelievable today. Amazing inning. Normally, you see T20 cricket, mein, bahut innings aapko dekhne ko milti hain, jo hume pehle do ek matches mein mili hain, New Zealand ki taraf se, aur phir South Africa ki taraf se, but this was totally different. The conditions, the situation, the kind of bowling was happening. Look at the shots. I mean, haven't seen an inning like that. But after a while, such a dominating inning in this situation. And on this pitch, Misbah. This pitch, pe. The way they were bowling, I mean, ऐसे लग रहा था जब पहला मैच भी हमने देखा ऐसे लग रहा था जैसे बैट्समैन अपने आप को बचा रहे हैं बट वो जिस तरीके से डोमिनेट उन्होंने किया और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ऐसे लग रहा था जैसे उसको पहले से पता होता था कि ये बॉल होने लगी और मैं कहाँ मारने जा रहा हूँ इसको सो आई थिंक बड़े अरसे के बाद मुझे लगता है कि ही इज़ द बेस्ट मिडल ऑर्डर बैट्समैन एट द मोमेंट इन T20 क्रिकेट 170 के स्ट्राइक रेट पे इस सिचुएशन में ऐसी बॉलिंग के गेंस इस पिच पे रन्स करना बिल्कुल शुएब यू नो आई मीन इमेजिन कि कितना प्रेशर है एक तरफ से आपके जितने सुपरस्टार्स हैं वो सारे के सारे आउट हो गए हैं सारा प्रेशर आपको अब्सॉर्ब करना है इनिंग्स को रीबिल्ड करना है इट्स फैंटास्टिक एफर्ट इट इज़ फैंटास्टिक और मुझे लगता है कि उसकी जो सक्सेस इसलिए है और कंसिस्टेंट बेसिस पे है क्योंकि वो अपनी गेम नहीं चेंज करता स्पेशली आउट भी अगर वो हो जाए एक दो इनिंग्स में तो वो इस वे ऑफ प्लेइंग इज द सेम एक चीज़ वो ज़रूर करता है कंडीशंस को असेस करता है और जो लगता है कि इस पिच पे ये वाले शॉट्स लगेंगे वो उसको बहुत अच्छे से याद है उसको अपना गेम प्लान बहुत अच्छे से याद है और वो बॉलर के माइंड के साथ खेलता है वो बॉलर को देखता है कि अगर मुझे इसने फुल किया तो अगला बॉल ये शॉट करेगा मुझे अगला बॉल ये आउटसाइड ऑफ स्टंप करेगा या मेरी तरफ करेगा इसीलिए जो वो शॉट्स खेलता है उसके लिए थोड़ा सा बैट्समैन के दिमाग में होना चाहिए यहाँ पे मैं एबी डिविलियर्स की एग्जांपल दूंगा वो भी इसी तरह ही बॉलर के दिमाग के साथ खेलता था कि अब अगर इसने मुझे यॉर्कर किया अब ये मुझे स्लो बाउंसर करेगा अब ये मुझे आउटसाइड ऑफ स्टंप करेगा ये हर बैट्समैन नहीं सोचता होगा दिस लेवल इंटरनेशनल लेवल देखें वसीम भाई मुझे ये लगता है कि एक तो आपको क्लैरिटी मिलती है मैनेजमेंट से आपको जो रोल मिलता है एक ये होता है कि आपने अपना इंडिविजुअल प्लान बनाना होता है और वो सबसे इंपॉर्टेंट प्लान होता है आपके खुद की सक्सेस के लिए या कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने के लिए या टीम के अच्छे रिजल्ट्स आने के लिए